अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, शादो आबाद रखे। YouTube के कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन आया है, ये है अथर नसीर साहब की तरफ से। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, क्या हम घर से खुद रैप करके ले जा सकते हैं? ये बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि जब हम हज या उमरा के लिए घर से रवाना होते हैं तो क्या हम अपने सामान को घर से खुद रैप करके ले जा सकते हैं? तो प्यारे भाई, सिचुएशन कुछ इस तरह की होती है कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क से जा रहे हो उमरे पे या हज पे। मैं पाकिस्तान से चूंकि बात कर रहा हूं तो मैं आपको यहां की एग्जांपल दूंगा। यहां इस्लामाबाद है, लाहौर है, कराची है, बड़े शहरों में हर जगह पे एयरपोर्ट पे रैपिंग की फैसिलिटी होती है। तो आपने करना यह है कि अपना सामान घर से अपने बैग के अंदर जब पैक करना है तो उसको अच्छे से वेट वगैरह मेजर करना है, उसके बाद उसी हालत में आपने बगैर रैप किए ही एयरपोर्ट पे लेके आना है सामान। उसकी वजह यह है कि एयरपोर्ट का एक प्रोसेस होता है, आपके सामान को वहां स्कैनिंग मशीन के अंदर से गुजारा जाता है, जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसके बाद एयरपोर्ट पे ही रैपिंग मशीन अवेलेबल होती है और वो बहुत ज्यादा महंगी नहीं होती है, सस्ती होती है। आपका सामान जब प्रोसेस से गुजर जाएगा, खुदा ना खास्ता अगर आपका वजन ज्यादा है या जो भी मसला है वो रिजॉल्व हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा, उसको आपके एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ते हैं या आपका सामान सपोज करने कुछ निकालना भी पड़ता है तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर आपने वहां पर रैप करवाना है। अब जब आप रैप करवाएंगे तो करवाने के फौरन बाद आपकी जो भी एयरलाइन होगी, मुतल्लिका एयरलाइन के काउंटर पे जाके आपने अपना सामान वहां पे सबमिट करवा देना है। तो ये बड़ा इजी प्रोसेस है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई मुश्किलात नहीं है। अब फर्ज करें आप सामान अपना घर से रैप करके ले जाते हैं एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट पे एक तो चेकिंग होनी है। चेकिंग के दौरान कोई ऐसी चीज है आपके बैग में, सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ मुश्तबा या मशकूक ऐसी चीजें होती हैं जिनको वो चेक करते हैं, तब वो क्या करेंगे कि आपके रैप सारा जो किया होगा बैग, उसको वो रैपिंग काट के खोल देंगे। जैसे ही वो खोलेंगे तो ये आपके लिए परेशानी का बायस होगा, फिर वो आपका सामान निकाल लेंगे, जो भी चीजें उन्होंने चेक करनी है, जब उनकी तसल्ली हो जाएगी उसके बाद फिर आपको वहां से जाकर दोबारा रैपिंग करवानी पड़ेगी, तो ये आपके लिए परेशानी का बायस बनेगा। तीसरी वजह ये है कि हो सकता है कि आपका सामान थोड़ा ज्यादा हो, मतलब जो मुतल्लिका एयरलाइन की तरफ से आपको वजन की परमिशन दी गई है, 2-4 kg, 5 kg, सम टाइम अल्लाह ना करे किसी के एक्स्ट्रा हो सकता है, बेख्याली में भी हो जाता है। तो अब आपने घर से चूंकि रैप किया होगा तो अब आप एयरपोर्ट पे जैसे ही पहुंचे आप तो ये समझेंगे कि ऐसे स्कैनिंग मशीन से गुजर के मैं आगे चला जाऊंगा, लेकिन आपका वजन होगा ज्यादा फर्ज करें, तो अब क्या होगा कि वो आपके रैपिंग वहां पे खोलेंगे, काटेंगे, आपका वजन जो है बीच में से निकालेंगे, तो ये भी आपके लिए परेशानी की एक वजह बन सकती है। तो आपने क्या करना है कि वैसे ही बैग एयरपोर्ट पे लेके जाना है, आपका बैग चेक उन्होंने करना है, कोई इशू नहीं, आप उसका वो ताला खोले होने के सर आप अच्छे से इसको चेक करें, क्योंकि आपने रैप तो किया नहीं है इसलिए आपको परेशानी नहीं होगी। और इसी तरह ही अगर आपका खुदा ना खासा वजन कोई 2-4 kg ज्यादा भी हो जाता है तो उसमें अगर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं या सपोज करें कुछ सामान बीच में से निकालना पड़ता है तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह जो है आप वहां से आसानी से रैपिंग करवा के मुतल्लिका एयरलाइन के काउंटर पर जाके उसको जमा करवा सकते हैं। चौथी बात यह है कि आपने याद रखना है कि जो वापसी की सिचुएशन होनी है आपकी उमरा या हज पे, जो भी आप गए हैं, मक्कतुल मुकर्रमा से वापसी होती है जद्दा के थ्रू या मदीनतुल मुनव्वरा एयरपोर्ट से आपकी वापसी होती है, दो तरह की सिचुएशन होती है, ठीक है। मक्का मुकर्रमा में कोई एयरपोर्ट नहीं है, जद्दा से आपने वापस आना है या मदीना मुनव्वरा से आना है। अब वहां पर आपने क्या करना है, वहां पर आपने ये करना है कि बिलफर्ज आप मक्कतुल मुकर्रमा में है और आपकी वापसी है जद्दा के थ्रू, जद्दा से आपकी वापसी की फ्लाइट है। अब आपने ये करना है कि जिस दिन आपकी वापसी है उससे एक दिन पहले आपने वो अपना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सामान पैक करने के बाद उसका वेट मेजर करना है और आपकी जो एयरलाइन की इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसके अंदर जो आपको वजन बताया गया है कि इतने केजी तक आपको परमिशन है, सिर्फ उतना वजन होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपके लिए बहुत शदीद परेशानी का बायस एयरपोर्ट पर बन सकता है। तो ये आपने बात याद रखनी है, सबसे पहले आपने अपना वजन मेजर करना है, जब आपने वेट मेजर कर लिया है बिल्कुल ज्यादा है तो उसको आपने जितनी परमिशन है उसके मुताबिक करना है। अब आपने क्या करना है,
ताला लगाने के बाद अपने रूम में ही उसको रैप कर लेना है। वापसी की बात हो रही है, ठीक है। तो मक्का मुकरमा में आप अपने होटल में है तो आप अपने सामान को वहां कवर मिल जाता है और सस्ता मिल जाता है। किसी भी दुकान बकाला वगैरह पे आप जाएंगे तो जगह जगह पे बाहर ही पड़े होते हैं, तो वहां से आपने वो ले लेना है और खुद अपना सामान अच्छे से रैप करना है। और फिर आप आएंगे जद्दा एयरपोर्ट पे तो वहां पे वो मशीन से गुजारेंगे तो वहां पे ज्यादा परेशानी इंशाल्लाह आपको नहीं होगी। इसी तरह मदीनतुल मुनव्वरा से जब आपकी वापसी होनी है तो मदीनतुल मुनव्वरा में भी आपने ऐसा ही करना है कि वापसी पे आपने वहां बकाला से खरीद के रैप जो वो कवर होता है तो आपने वहां पे खुद रैप करना है। और याद रखिएगा जितना भी सामान आपके पास होगा वो आपने सारा रैप करना होगा। हज के दिनों में लोग क्या करते हैं कि सम टाइम ऐसा होता है कि वहां से बड़े बड़े बोरे टाइप मिल जाते हैं, उनके अंदर कुछ सामान रखा होता है, छतरियां रखी होती हैं, न जाने क्या क्या सामान होता है, तो उसको भी आपने रैप करना है। यानी कि ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपकी होगी उसको आपने प्रॉपर रैप करके फिर एयरपोर्ट पे लेके आना है। विदाउट रैपिंग आपने कोई छतरी या कोई भी ऐसी चीज नहीं लेके आनी है। तो ये तरीका है घर से जाते हुए रैपिंग का। और मक्का मुकरमा या मदीनतुल मुनव्वरा से जब आपकी वापसी होनी है तो वहां से जो आपने रैपिंग करनी है उसका तरीका है। तो बहर कैफ आपने इन चीजों का वहां पे बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, बार बार रोज़े रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे हाजिर होके हमें कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने की भी सआदत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।